हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द पार्ट 16 ऑफ द हाउ टू पावर जर्नल एंट्री बाय अ मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग। जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां नहीं मिलता तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करें पर नंबर 9549168168। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट पर बताओ आपको लेक्चर कैसा लगा। सो स्टार्ट पार्ट 16 नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कैरिज फ्रेट एंड अदर रिलेटेड चार्जेस। ये खर्चे क्या होते हैं मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं और इसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। देखो, सपोज करो मेरी एक फैक्ट्री है, जयपुर में मेरी एक फैक्ट्री है और मैं क्या मैन्युफैक्चर करता हूं, मैं पेन मैन्युफैक्चर करता हूं और जो पेन मैन्युफैक्चर करता हूं और वो जो फैक्ट्री है वो मेरी जयपुर के अंदर है। एक बात बताओ, मैंने फैक्ट्री तो जयपुर में लगा दी, अब मुझे पेन बनाने के लिए सपोज करो एक इंक चाहिए होगी। यस, एक इंक चाहिए। ओके, और क्या चाहिए? एक मैंने सपोज करो मुझे इंक चाहिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ पेन और एक मुझे मशीन चाहिए जिससे मैं पेन बनाऊंगा। बिकॉज बिना मशीन के तो मैं पेन नहीं बना सकता, तो मुझे एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन चाहिए जिससे मैं पेन बनाऊंगा। सपोज करो मशीनरी की प्राइस है 5 लाख रुपए। कितनी प्राइस है उसकी, कॉस्ट कितनी है? 5 लाख रुपीज। और इंक जो मैं खरीद रहा हूं वो मैं खरीद रहा हूं लेट सपोज रुपीज 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए की इंक खरीद रहा हूं और ये जो दोनों जो सामान है ना, ये मुझे पता है कहां से खरीदना है। मैं हूं जयपुर में रहता हूं, मुझे ये बॉम्बे से खरीदना है। वो मशीनरी भी बॉम्बे में मिलती है और सपोज करो वो इंक भी बॉम्बे से मिलता है, वो दोनों बॉम्बे से मिलता है। तो बॉम्बे से मुझे ये खरीदना है, मुंबई से मशीनरी भी खरीदनी है और इंक भी खरीदनी है। अब सपोज करो कि अगर मैं मुंबई से खरीदूंगा तो मुंबई से यहां पे लाने का खर्चा भी तो होगा। भाई मैंने मुंबई में गया, मैंने उसकी इंक खरीद ली, मशीनरी भी खरीद ली, पर मुंबई से जयपुर में उसको ट्रांसफर कैसे करूंगा? आई विल ट्रांसफर इट थ्रू एदर ट्रेन या मैं ट्रक करूंगा, जो भी करूंगा कुछ तो खर्चा लगेगा मुझे। उस खर्चे को मैं बोलता हूं कैरेज एंड फ्रेट चार्जेस। तो दोनों में खर्चा लगेगा? हाँ, दोनों में लगेगा। सपोज करो इसमें लगा, उसको मैं कैरेज भी बोल सकता हूँ, फ्रेट भी बोल सकता हूँ। उसमें लेट सपोज उसमें खर्चा लगा 5,000 रुपये लगा मेरा, और सपोज करो इसमें जो मेरा खर्चा लगा लेट सपोज 20,000 रुपीज लगा, ठीक है। मशीनरी को लाने में 20,000 रुपये खर्चा लगा और इसको लाने इंक लाने में कितना खर्चा लगा? 5,000 रुपये खर्चा लगा, दोनों में खर्चा लगा। अब मेरी प्रॉब्लम पता क्या आई? मेरी प्रॉब्लम आई कि इन दोनों को मैं रिकॉर्ड कैसे करूं। अगर आपके मन में आ रहा है ऐसा सिंपल है कि ये खर्चा अलग, ये खर्चा अलग, ये खर्चा अलग, ये खर्चा अलग, इसकी एंट्री अलग करो, इसकी एंट्री अलग करो, इसकी एंट्री अलग करो, इसकी एंट्री करो, दिमाग में आपके बात तो ठीक चल रही है पर अकाउंट्स के मन में एक डाउट आ रहा है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे बताओ इसकी एंट्री में क्या करूँगा। मैंने 1 लाख का पेन खरीदा और मैंने फ्रेट लिए 5,000 का और इसका 5 लाख का किया और इसका 20,000 का, पहले किसका करूँ? चलो पहले मैं मशीन का करता हूँ। तो पहले मैं आपको मशीन का कंसेप्ट बताता हूँ। मशीन के अंदर अकाउंट्स क्या बोलता है कि आप जो भी खर्चा कर रहे हो मशीन को फैक्ट्री में लाने तक का खर्चा, फैक्ट्री में लाने तक का खर्चा, वो सारा खर्चा आप मशीन अकाउंट में लेके जाओगे। मतलब इसको अलग से रिकॉर्ड नहीं करोगे, इसी के अंदर ऐड कर लोगे। ऐसा क्यों? रीजन बताऊंगा। पहले समझो, मशीन अकाउंट मैंने 5 लाख की खरीदी, 5 लाख की मशीन थी और मशीन को जयपुर लाने का जो खर्चा है वो है 20,000 रुपये। भाई बॉम्बे से, मुंबई से जयपुर आने का जो खर्चा है मशीन को लाने का और मुंबई से जयपुर आने का जो खर्चा है, इसका 5,000, इसका 20,000 रुपये। वैल्यू से मैटर नहीं करता, ये कम है या ये ज़्यादा है, उससे कोई मैटर नहीं करता, 20,000 रुपये लगेगा। अकाउंट बोलता है इसको आप मशीन के अंदर ही रिकॉर्ड करो। मतलब अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हो, वापस मैं बता रहा हूं, इफ यू आर बाइंग एनी एसेट देन ऑल द एक्सपेंस टिल द इंस्टॉलेशन, लिख दो चलो, इफ यू बाय एनी एसेट देन ऑल द एक्सपेंस टिल द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन तक जो भी खर्चा होगा विल बी डेबिटेड
टू मशीन अकाउंट, सॉरी एसेट अकाउंट, मतलब जो भी मैं खर्चा करूंगा मशीन को फैक्ट्री तक लाने का, फैक्ट्री में इंस्टॉल्ड करने का, वो सारा खर्चा मैं मशीन में डालूंगा। मतलब पता क्या हुआ, अगर सपोज करो मैंने बॉम्बे से मशीन नहीं खरीदी, मैंने 5 लाख की मशीन खरीदी, 20,000 का खर्चा मैंने इंकर्ड किया ट्रक से यहाँ लाने का, और उसके बाद भी मेरी मशीन फैक्ट्री में तो फैक्ट्री में तो आ गई है, पर बिना इंस्टॉलेशन मेरी मशीन तो नहीं चलेगी। तो मुझे एक मशीन इंस्टॉल करने के लिए एक टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा कि इसको ज़मीन में फिट करो, इसके वायर फिट करो, उसके लिए भी सपोज करो मेरा 1,000 रुपये खर्चा लग जाएगा। वो सारा का सारा खर्चा, वो बोल रहा है जब तक मशीन यूज़ में नहीं आती है, वो सारा खर्चा आप किधर लेके जाओगे, मशीन में लेके जाओगे। मतलब मशीन को लगाने तक का जो भी खर्चा होता है वो आप मशीन अकाउंट में लेके जाओगे, इसको अलग से नहीं दिखाओगे। रीज़न मैं बताऊंगा, थोड़ी देर रुको। तो इसकी एंट्री क्या करूंगा, तो मशीन को लाने का, मशीन का खर्चा कितना, 5 लाख, फ्रेट का खर्चा कितना, 20,000। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों को मैंने कैश में पेमेंट किया, दोनों मैंने कैश में पेमेंट किया। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, देखो मुझे एंट्री बताओ, मशीन कितने की, 5 लाख की, और फ्रेट कितना सर, 20,000 का, और मेरा कैश कितना गया सर, 5,20,000 कैश गया। भाई मेरी मशीनरी है 5 लाख की, फ्रेट 20,000 का खर्चा हुआ, और मेरा टोटल कैश कितना गया, 5,20,000। मशीन तो डेबिट ही होगा बिकॉज मेरा एसेट बढ़ रहा है, फ्रेट भी डेबिट ही होगा। क्यों सर फ्रेट डेबिट क्यों होगा, अरे फ्रेट इसलिए डेबिट होगा बिकॉज मेरा खर्चा है, और खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है, और कैश मेरा जा रहा है तो क्रेडिट है। क्लियर, भी खर्चा बढ़ता है डेबिट होता है। तो अब मैं इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करूंगा, पता हूं इसकी मैं अकाउंटिंग एंट्री करूंगा, मशीन आराम से देखना, अकाउंट डेबिट, आई विल डू 5,20,000 रुपीज टू कैश, 5,20,000 रुपीज। मतलब ये जो खर्चा है ना, ये मैंने मशीन में ही ऐड कर लिया, ये मैंने खर्चा मशीन में ही ऐड कर लिया, फ्रेट को मैंने अलग से नहीं दिखाया। भले ही मैं फ्रेट 2 दिन बाद पे करूं, अगर मैंने 2 दिन बाद पे करूंगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा पता है, मशीन अकाउंट डेबिट। अगर सपोज करो मैं यहाँ तक समझ में आया आपको, मशीन को पूरा जो खर्चा है, जो उसका लाने का खर्चा है, इंस्टॉलेशन खर्चा है, वो मशीन का यहाँ पे जाएगा और कैश यहाँ पे जाएगा। अगर मैंने दो अलग अलग एंट्री की, सपोज करो कि मैंने मशीनरी खरीदी 2 दिन पहले और मैंने उसको लाने का खर्चा 2 दिन बाद इंकर किया, तो दो ट्रांजेक्शन हो गई। तो दो ट्रांजेक्शन में मैं क्या खर्चा करूँगा, क्या एंट्री करूँगा, पहले मैंने मशीनरी खरीदी 5 लाख की मशीनरी खरीदी टू कैश, अगर मैंने क्रेडिट पे खरीदी तो पार्टी का नाम, और उसके बाद मैंने 2 दिन बाद फ्रेट का खर्चा दिया, पर वो जो फ्रेट का खर्चा है ना वो मैं मशीन अकाउंट में डालूंगा, 20,000 रुपये टू कैश, अगर मैंने कैश पे किया, नहीं पे किया तो पार्टी का नाम। क्लियर है, नहीं क्लियर है, मतलब जो भी खर्चा मशीन को लाने तक का हो रहा है वो सारा खर्चा मेरा एसेट अकाउंट में जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, अब गुड्स के केस में क्या होता है, इंक क्या है मेरा, देखो मशीनरी तो मेरा गुड्स तो नहीं है, मेन जो पॉइंट है मुझे आपको ये बताना है, क्या मशीनरी मेरा गुड्स है, क्या मशीनरी इज नॉट माई गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, जिस चीज में मैं डील कर रहा हूँ। इंक क्या है, इंक मेरा गुड्स है। गुड्स कैसे है सर, इट इज अ गुड्स बिकॉज इससे मैं पेन बनाऊंगा, इसके बिना पेन बन नहीं सकता। हाँ, मशीनरी के बिना ये पेन नहीं बन सकता, पर इंक मेरा फाइनल प्रोडक्ट में जा रहा है, तो ये मेरा गुड्स है। गुड्स क्या होते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट में दिखता है या जो जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट में इंक जा रहा है, प्लास्टिक जा रहा है, निब जा रहा है, कैप जा रहा है, ये सब मेरा गुड्स है। जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की है वो मेरा गुड्स नहीं है, मशीनरी मैंने खरीदी वो मेरा गुड्स नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब मैं गुड्स बाय करता हूँ तो मैं एंट्री करता हूँ परचेस अकाउंट, डेबिट करता हूँ परचेस। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दो एंट्री क्या होंगी, मुझे आप ये बताओ, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन बताओ। सर मैंने दो खर्चे किए, एक तो मैंने गुड्स खरीदा, तो सबसे पहले जो है ना मैंने परचेस किया, क्योंकि मैं गुड्स के केस में इंक अकाउंट नहीं करता, मशीन मेरा एसेट बन रहा है, इसलिए मशीन अकाउंट, इंक अकाउंट नहीं करूंगा, परचेज अकाउंट करूंगा। सपोज करो मैंने कैश में पेमेंट किया, मैंने कितने की परचेज की इंक, भाई 1 लाख रुपए की खरीदी मैंने, और 1 लाख रुपए का मेरा कैश गया।
बात समझ में आया। 1 लाख रुपए का मैंने परचेस किया और 1 लाख का मेरा कैश गया, तो मैं एंट्री क्या कर रहा हूँ, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज परचेस मेरा खर्चा, कैश मेरा क्रेडिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैंने एंट्री क्या की, पहले परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपए। ओके सर, समझ में आ गया। सर आपने 5,000 रुपये फ्रेट भी खर्चा किया, हाँ किया खर्चा, उसकी भी एंट्री करो ना, उसकी भी एंट्री करेंगे। अच्छा, उसके केस में मैंने आपको क्या कहा था कि हम अलग से दिखाएंगे। गुड्स के केस में जो भी खर्चा इंकर्ड हो रहा है, एक्स्ट्रा खर्चा, तो वो हम अलग से, गुड्स को लाने खर्चा कितना, 5,000। ओके, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको या तो मैं फ्रेट बोल सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ कैरिज बोल सकता हूँ, और मैंने उसके लिए कैश दिया, और ये मेरा खर्चा है, ये मेरा क्रेडिट हो जाएगा। कितने का खर्चा हुआ, 5,000 का खर्चा हुआ, 5,000 का। तो मैं एंट्री क्या करूँगा पता हूँ, एंट्री करूँगा मैं कैरिज, कैरी सपोज करो मैंने कैरिज का खर्चा किया, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपये। कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपये। सर ऐसे क्यों कर रहे हो आप, यहाँ पे आप दो डिफरेंट एंट्री कर रहे हो, यहाँ पे आपने एक ही एंट्री की है, यहाँ पे आपने 5,20,000 टोटल मशीन में डाल दिया, और यहाँ पे आप परचेज को 1 लाख दिखा रहे हो और ये खर्चा आपने अलग दिखा रहे हो। पहले तो कंसेप्ट समझ में आया कि मैं बता क्या रहा हूँ, परचेज मैं 1 लाख से दिखाऊंगा और जो अलग खर्चा है वो अलग हेड में जाएगा, उसको परचेज में नहीं डालूंगा। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं कर रहा हूँ बिजनेस, तो बिजनेस के अंदर मेरे हजारों खर्चे होते हैं और मैं हजारों तरह के एसेट्स और हजारों तरह के गुड्स खरीदता हूँ। एक बात बताओ, मशीनरी मैं साल में कितनी बार खरीदूंगा, मशीनरी मैं साल में कितनी बार खरीदूंगा। सर एक बार खरीद लोगे, मैक्सिमम 2 बार खरीद लोगे, ऐसा तो नहीं ना कि मैं रोज मैं मशीनरी खरीदता रहूंगा, नहीं सर ऐसा नहीं है। मशीनरी आप साल में 1 बार ही खरीदते हो नॉर्मल, या 2 बार खरीदते हो मैक्सिमम, उस तरह थोड़ी खरीदते हो, रोज थोड़ी खरीदता हूँ, बिकॉज मैं इस पर डील थोड़ी करता हूँ। मेरा डील तो पेन बनाने में है, बट जो मेरा जिस चीज में मैं डील कर रहा हूँ, मैं डील क्या कर रहा हूँ, इंक बनाने में डील कर रहा हूँ, तो इंक सॉरी पेन बनाने में डील कर रहा हूँ, तो पेन के लिए जो मैं इंक खरीदूंगा क्या वो मैं साल में एक ही बार खरीदूंगा, नहीं हर दिन खरीदूंगा, हर हफ्ते खरीदूंगा, हर हफ्ते ऑर्डर दूंगा बॉम्बे को, इंक भेजो, हर 10 दिन में मैं बोलूंगा मुझे इंक चाहिए, 1,000 लीटर चाहिए, 100 लीटर चाहिए, जैसे जैसे मेरी सेल्स होगी वैसे वैसे मुझे इंक खरीदनी पड़ेगी। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया। तो ये नॉर्मली फ्रीक्वेंट खर्चा है, ये इनफ्रीक्वेंट खर्चा है। ये खर्चा जो होता है ना, ये साल में 1 या 2 बार ही लगता होगा, पर ये जो खर्चा है ना, ये हर बार जब मैं बॉम्बे से मंगाऊंगा ये खर्चा इंकर्ड होता रहेगा। तो इंक तो मैं हर हफ्ते मंगाऊंगा, तो मैं कर रहा हूँ बिजनेस, मुझे मालूम होना चाहिए कि कितना खर्चा मेरा इंक को यहाँ पे, मेरा गुड्स को यहाँ लाने में लग रहा है, फैक्ट्री में लाने में लग रहा है। क्यों मालूम होना चाहिए, अगर मैंने इसको परचेज में रिकॉर्ड कर लिया तो पता क्या होगा, मैं एज्यूम करूंगा कि मैंने इंक खरीदी 1,05,000 की, बल्कि मैंने इंक तो 1 लाख की ली है, 5,000 मैंने किसका दिया, मैंने फ्रेट दिया, मैंने भाड़ा दिया ट्रेन का, या जो भी उसका जो रेंट होता है ट्रेन का या फिर ट्रक का, उसका जो फ्रेट होता है वो मैंने पे किया। तो मुझे मालूम होना चाहिए कितना खर्चा कर रहा हूँ। ये क्यों मालूम होना चाहिए सर, इसमें भी तो आपको मालूम होना चाहिए, इसमें भी आपको अलग करना चाहिए, आई एग्री, पर ये खर्चा तो साल में 1 ही बार या 2 बार हो रहा है, तो इसमें मैं क्या करूं, पर इसके अंदर ये साल में हजारों बार ट्रांजेक्शन हो रही है, तो मुझे मालूम होना चाहिए कितना खर्चा मेरा इंक बॉम्बे से यहाँ पे लाने में लग रहा है। क्यों मालूम होना चाहिए पता है, रीजन, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए कितना खर्चा हो रहा है। अगर आपको लग रहा है साल के एंड में, अरे बाप रे कैरिज का खर्चा तो 10 लाख कैरिज का खर्चा तो 2 लाख हो गया पूरे साल भर के अंदर, तो मैं क्यों बॉम्बे से खरीद रहा हूँ, क्या मैं ये जो इंक है क्यों ना मैं ये सामान जयपुर से खरीदूँ, या क्यों ना मैं सामान ये कोई उदयपुर से खरीदूँ जहाँ पे, या मैं क्यों ना मैं खुद ही कोई फैक्ट्री लगा दूँ वहाँ पे, मैं डिसीजन ले पाऊँगा कि भाई मेरा बहुत खर्चा हो रहा है वहाँ से यहाँ लाने में, इससे मेरा प्रॉफिट बहुत कम हो गया। एक तो ये 1 लाख का सामान लिया, फिर उस पर 5,000 का मैंने ये तो जो फ्रेट चार्जेस लगा दिया, तो ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, क्यों ना मैं थोड़े और पास से लूँ, मैं अहमदाबाद से ले लूँ, मैं बड़ौदा से ले लूँ, मैं अपनी जो फ्रेट की जो कॉस्ट है वो कम करूँ। हाँ क्वालिटी कम नहीं कर रहा, हो सकता है कि ये जो क्वालिटी है ये मुझे अहमदाबाद में भी मिल जाए, ये मुझे
दिल्ली में भी मिल जाए, बट मुझे मालूम करना पड़ेगा क्वालिटी कहाँ पे अच्छी मिल रही है। तो अगर वो सेम क्वालिटी मुझे दिल्ली में मिल रही है तो मैं दिल्ली से खरीदूंगा, बिकॉज दिल्ली जयपुर के पास पड़ता है, बॉम्बे दूर पड़ता है, तो मेरा फ्रेट का खर्चा कम होता रहेगा। तो फिर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे खर्चे मैनेज करने होंगे, तो ये खर्चा मैं दिमाग लगाऊंगा साल के एंड में कि ये खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कम करना चाहिए। इसलिए मैंने इसको अलग हेडिंग दी है। इसमें अलग हेडिंग क्यों नहीं दी है पता है? इसलिए नहीं दी है क्योंकि मुझे मुझे एक बार ही तो खर्चा होना है, तो इसके लिए क्या मैं फैक्ट्री थोड़ी लगाऊंगा मैं कि मशीनरी। नॉर्मली एक या दो बार तो खर्चा होना है, इसलिए इसको मशीन के अंदर ही डाल दो। और इसके बिना मशीनरी यूज़ हो नहीं सकती, बिना इसके खर्चे के मशीनरी यूज़ हो भी नहीं सकती, और प्लस ये खर्चा एक दो बार ही हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगा मशीन के अकाउंट के अंदर ही डाल दूंगा। तो ये एक्चुअली मेन कंसेप्ट है। तो आपको कंसेप्ट क्या बताया, अगर कोई भी कैरिज का खर्चा हो रहा है या फ्रेट का खर्चा हो रहा है, अगर गुड्स से रिलेटेड है तो अलग दिखाओगे, और अगर गुड्स से रिलेटेड नहीं है तो आप क्या करोगे उसी के अंदर आप ऐड कर लोगे जिस चीज जो आपने एसेट खरीदा। लेट्स डू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिससे आपको कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आएगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 23 नाउ। पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। अप्रैल 3 को क्या ट्रांजेक्शन हुई है? परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 एंड कैरिज पे 200। मतलब मैंने फर्नीचर खरीदा 10,000 का, और उसके लिए मैंने जो भी कैरिज पे किया, मतलब फर्नीचर मेरी फैक्ट्री तक लाने के लिए या ऑफिस तक लाने के लिए 200 रुपये पे किया, तो मेरा अल्टीमेटली खर्चा, अल्टीमेटली मेरा कैश कितना गया? 10,200 गया, और वो किसके लिए गया पता है? वो फर्नीचर के लिए गया। मैंने आपको कहा था ना, एफेक्ट में जो भी खर्चा होता है, जब मेरी फैक्ट्री तक लाने का जो भी खर्चा होता है, कैरिज, इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो सब हम एफेक्ट के अंदर मर्ज कर लेते हैं। तो फर्नीचर का खर्चा 10,000 का है, और जो कैरिज का खर्चा है 200 रुपये का, इसका मतलब 10,000 प्लस 200, ये दोनों फर्नीचर के अंदर ही जाएगा। फर्नीचर क्या होगा? डेबिट, क्योंकि वो मेरा एसेट है। और कैश क्या होगा? क्रेडिट, बिकॉज वो मेरा एसेट है, वो एसेट कम हो रहा है, मेरा कैश जा रहा है। तो आई विल डू द एंट्री ऑन द 3 अप्रैल को मैं एंट्री करूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,200। नेक्स्ट एंट्री क्या है मेरी? 5 अप्रैल को मेरी एंट्री रहेगी परचेज अ गुड्स ऑफ ₹20,000 इन द कैश, कैरिज पेड 500। ओके, मैंने आपको बताया था ना कि फर्नीचर के केस में मैं क्या करता हूँ, जब मैं कोई एसेट खरीदता हूँ तो कैरिज मैं एसेट के अंदर ही ऐड कर लेता हूँ, जब मैं गुड्स खरीदता हूँ तो मैं कौन सा अकाउंट यूज़ करता हूँ? परचेज अकाउंट, और एक हो गया मेरा कैश, जो मैंने कैश पेमेंट दिया। कितना कैश पेमेंट दिया? सर 20,000 प्लस 500, और परचेज अकाउंट में कितना आएगा? परचेज अकाउंट में पर इसकी हम दो अलग अलग एंट्री करें या एक एंट्री करें? दो अलग अलग भी कर सकते हो, एक भी कर सकते हो, मैं आपको दोनों करके बताऊंगा। देखो, पहले मैं एंट्री करके बताता हूँ, अगर आपको अलग अलग एंट्री करनी है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। मैंने कितने का परचेज किया? सर मैंने परचेस किया 20,000 का। गुड्स परचेस करता हूँ तो मैंने कितने का परचेस किया? 20,000 का। और उसके लिए मैंने कैश कितना दिया? सर 20,000 का मैंने कैश दिया। तो पहले आप ये रिकॉर्ड कर सकते हो, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज़। भाई आपने परचेज किया 20,000 का, और 20,000 का आपने कैश पे कर लिया। सर आपने कैरिज क्यों नहीं ऐड किया? अभी तो बताया था मैंने, कैरिज मैं कभी भी गुड्स में, जब मैं गुड्स खरीदता हूँ तो कैरिज का एक अलग अकाउंट खोलता हूँ और उसमें रिकॉर्ड करूँगा। तो कैरिज के लिए क्या करूँगा? कैरिज खर्चा है मेरा, हाँ सर खर्चा है। कैश पेमेंट किया 500 रुपये का और 500 रुपये का, बताओ खर्चा है? हाँ खर्चा है। तो ये तो डेबिट ही होने वाला है, खर्चा डेबिट होता है, कैश जा रहा है क्रेडिट। तो मैं एंट्री करूंगा कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपये। समझ में आया? ये एंट्री कर सकता हूँ, या अगर आपको कंबाइन एंट्री करनी, कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। आपको आती तो है कंपाउंड एंट्री, कंबाइन एंट्री कैसे करेंगे बताओ मुझे? बहुत ही सिंपल है, देखो दो एंट्री नहीं करनी है, आइडियली आपको एक एंट्री ही करनी चाहिए।
परचेज आपने किया, कैश में पे कर लिया, कैरेज आपने किया, आपने कैश में पे कर लिया। अगर आप इन दोनों को मैं कंबाइन भी कर सकता हूँ कैसे, देखो मैंने परचेज कितने का किया, सर मैंने परचेज तो 20,000 का किया, क्योंकि जो कैरेज अमाउंट है वो मैं परचेज में ऐड कभी नहीं करता, वो अलग से दिखाता हूँ। और मैंने क्या खर्चा किया, सर मैंने कैरेज का खर्चा किया कितने रुपये का, 500 रुपये का। तो मेरा कैश कितने से गया, सर 20,500 से कैश गया। परचेज तो डेबिट ही होता है, खर्चा है, कैरिज मेरा खर्चा है, डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, बिकॉज कैश जा रहा है। तो इन दोनों की आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। कंबाइन एंट्री क्या होगी, इन दोनों की कंबाइन एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश। 20,000 का मैंने परचेज किया, 500 का कैरिज दिया और 20,500 मेरे यहाँ से कैश चला गया। सिंपल सा पॉइंट है, कोई डाउट है इसके अंदर, या तो ये दो अलग अलग एंट्री करो या एक एंट्री करो, बात तो एक ही होने वाली है, क्लियर। सो हमेशा ध्यान रखना, कैरिज गुड्स के केस में अलग दिखाएंगे, और अगर मैंने एसेट खरीदा तो मैं क्या करूँगा, इसमें ऐड कर लूँगा, एसेट में मैं ऐड कर लूँगा, फर्नीचर में ही मैंने ऐड कर लिया। ओके, सो डन। क्वेश्चन 23, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पे भी आ चुका होगा। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा। ये सब्सक्रिप्शन बटन है, सो क्लिक करिए, सो दैट यू रिमेन फुली अपडेटेड ऑफ ऑल अकाउंट वीडियो आई पोस्ट। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन हाउ यू लाइक माई वीडियो। ओके फ्रेंड, सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।